दे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह पैना इंडिया के और बाद चो प्राइम मिनिस्टर बने सरदार मनमोहन सिंह जी। मैं इन्हों का पार्ट इन्हों का नुमाइंदा बन के सरकार के नाल लड़ता रहूँगा। हो सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो रेस्टवे न्यूज़। तो असी अज गौरमेंट कॉलेज आए हैं जी, जिथे कि ब्रह्म शंकर जिंपा जी उन्हां ने आना है। तो इत्थे कॉलेज का जिहड़ा नया नवा प्रोस्पेक्ट आ उन्होंने रिलीज़ करना है। कॉलेज जिहड़ा अज मैनू उन्होंने इनवाइट किया सीगा प्रोस्पेक्टस दी आपां रिलीज करना, और एक बच्चे ने जिहड़ी एम ए दी स्टूडेंट है उन्हें एक नॉवल लिखिया, और भी कोई होर स्टूडेंट उन्हां दी कोई अचीवमेंट्स हैगियां उन्होंने भी मिलना। तो मैं अपने आप नूं भाग्यशाली समझदा वी मैनू इत्थे आण दा मौका मिलिया अज। बहुत बड़ा इतिहास है, जो ज्वाइंट पंजाब सेगा और ज्वाइंट इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे से उदों भी एक यूनिवर्सिटी के तौर के उत्ते पंजाब यूनिवर्सिटी का एक वड्डा कैंपस सेगा, और बड़ी बहुत जिदा कि साढ़े प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह पैना इंडिया के और बाद चो प्राइम मिनिस्टर बने सरदार मनमोहन सिंह जी उत्थे, और मेरा ख्याल इतने शायद लैक्चरार रहे हैं, शायद इतने पढ़े भी इतने शायद, और भी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इतने जुड़िया रही। मनाफ है मेरे ना मौजूद है, मैडम प्रिंसीपल मौजूद है, और भी जो स्टाफ के वाइस प्रिंसीपल है, और मेरे ना मेरे कौंसलर साहबान विजय अग्रवाल जी, हुंदल साहब, होर बहुत सारे एडवोकेट अमरजोत जी, होर बहुत सारिया साढ़े दलीप गोरी जी मेरे जिले के प्रधान है आम आदमी पार्टी के, सारे मौजूद है। तो मैं अज समझदा कि सानू इत्थे बहुत अच्छा मौका मिले सारों कई चीज़ें याद करन दा इस कॉलेज के नाल। सर जी असी देखिए सेफ्टी परपस लिए, क्योंकि आए दिन काफ़ी सारिया गतिविधियां देखने को मिल रही हैं कि आए दिन कितने कितने झगड़े हो रहे हैं, कतलेआम हो रहे हैं जी। सर जे आपां कॉलेज की भी गल करिए सेफ्टी परपस तुसीं कितना देख रहे हो? देखो वैसे तो पीसफुल रहना चाहिए हर एक चीज़, अज समाज की अपनी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की अपनी जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। सरकार अपनी सरदार भगवंत मान जी की सरकार जी है वो बहुत अच्छी तरह लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने की कोशिश कर रही, लेकिन ये पुरानिया सरकार बहुत सारिया समस्या छड़ के गई। ये जिहड़ा मसला जेलों के गैंगवार का सीगा ये साढ़े वेले नहीं पले है, इन्होंने 15-20 साल इन्होंने पालन पोषण किया, जिदा अफजाना जी आने वाली सोसायटी भुगत रही है और सरकार भुगत रही है, और एक मान साहब की सरकार है। तुम एक चीज़ देखो, आप लॉ एंड ऑर्डर की गल कर रहे हैं, सरदार भगवंत सिंह जी मान एक ऐसे चीफ मिनिस्टर होए पहले मैं सोचता हूँ इन्ने सालों के जिन्हों ने STF बनाई, जेलों के उत्ते नकेल पाने की कोशिश की है, जेलों तो मोबाइल बरामद हो, 1000 मोबाइल तो कुछ ज़्यादा उत्ते बरामद हो चुका, किने किया कितने सुते थे आफ्टर आल जो जेल जो एडा कल्चर डिवेलप होया गैंगवार का गैंग्स है किने किया, यह जिम्मेवारी कितने से गल तो वो करिए, तो सरकार लोग सोसायटी दंड भुगती इन्हों के कित्या का, सरकार टेक तगड़े हो गए हैंड मान साहब बहुत तगड़े मुख्यमंत्री हो गए पंजाब के, अज तक इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं मिले। मैं एक्चुअली मार्च में प्रिंसीपल का अहुदा संभालिया है, सिंस दैन मेरे माइंड से कि मैं सर कॉलेज में बुलावा, चाहती सी कोई खास कही होवे, लेकिन
ड्यू टू द डिले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स रेनोवेशन चल रही है उदा करके थोड़ा जहा डिले हो गया। तो अज साडा सुभाग है कि साडे कैबिनेट मंत्री पंडित ब्रह्म शंकर जिंपा जी साडे दरम्यान हाजिर ने। मैं उन्होंने तह दिलों जी आया आखदी हाँ क्योंकि सरकारी कॉलेज है और जिहड़े इंस्टीट्यूशन होंदे है उन्हां दी सरप्रस्ती हमेशा ही मंत्रियों के उपर साडे लीडरां दे उपर रहिंदी है। तो वी लुक फॉरवर्ड कि सर दा एक की कहिंदे हुंदे है कि हथ जिहड़ा हैगा उह साडे कॉलेज दे उत्ते बणिया रहेगा। जो कॉलेज पहला भी नो डाउट तरक्कियां दे विच रहा है सर दी सरप्रस्ती विच होर भी तरक्कियां दे विच जाएगा। मैनू इस दी बहुत बहुत उम्मीद है। मैं आशा करदी हाँ सर सानू हर खिते दे विच सपोर्ट करनगे। मैडम तुसी की कोई अपने कॉलेज लई की मंग करना चाहुंदे मंत्री साहब दे कोल? कॉलेज जो है क्योंकि 1927 दा बनिया होया कॉलेज है, बिल्डिंग्स 27 तो लैके 50-54 दे पीरियड दे दौरान बनिया हुई इतों दियाँ बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानिया है, रेनोवेशन डिमांड कर दी है। इस टाइम साढ़े ई ब्लॉक की रेनोवेशन चल रही है, दो असी दो बिल्डिंग्स नवियाँ भी बनाई हैं। कॉन्वेंट साडा गर्ल्स होस्टल है नवा बन रहा है, लाइब्रेरी साड़ी नवी बनी है, एक रूसा ब्लॉक भी साडा पिछले सालों के नवा बनया। इस टाइम रिपेयर चल रही है ई ब्लॉक की, दो ब्लॉक साढ़े इदा के हो रहे बी ब्लॉक के एम ए ब्लॉक जिन्हों बहुत ज़्यादा रिपेयर की जरूरत है, जिन्होंने एम ए ब्लॉक दत्तं कल ही उन्होंने रिपेयर मैं कंप्लीट कराई है। तो ई ब्लॉक में हाले तक मैं हाथ नहीं पाया। एम ए ब्लॉक दर्शा बन वाली वो दीवारों की रिपेयर होने वाली है, छिलाई करके आप उसके प्लास्टर करके दोबारा तो करेंगे। सेम प्रोसीजर जोड़ा है साढ़े बी ब्लॉक का होने वाला है, कॉलेज का हॉल है वह बहुत डिलेपीडेटेड कंडीशन के उसकी रेनोवेशन होने वाली है। सो य थोड़िया एक डिमांड्स हो आई होप कि स्टैप बाय स्टैप सर सानू इन जरूर हैल्प करे। बाकी मैं करवाई जा रही हूँ जोड़े थोड़े थोड़े काम मेरे नज़र च आते हैं वो मैं नाल दे नाल ही कराई जा रही हूँ जिन्ना अपने हाथ च। हाँ जी अज असी अपने क्योंकि कल तो ऑफिशियली सिंस यस्टरडे ऑफिशियली डिकलेयर हो चुका है कि असी अपना एडमिशन प्रोसैस शुरू कर दईए। प्रोस्पेक्टस असी पिछले महीने छपा लिया सी साडे कोल रेडी है, तो उसकी इनॉग्रेशन वास्ते उसकी कुंड छपाई वास्ते असी अज सानू खास तौर पर बुलाया है। और साडे आने वाले भविख दे विच जिहड़े बच्चे साडे कोल आणगे सर दीआं ब्लैसिंग्स इस प्रोस्पेक्टस दे नाल उहनां बच्चिआं तक जाणी है। दैट इज़ द ग्रेट विश फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम द साइड ऑफ सर। हाँ जी सर बाकी यार खुद गई नहीं इन्होंने इन्होंने किया या था ता पूछना सर इस ये कहते ने टीचर साहबान कि जो चन्नी सरकार सी तो उदो इन्होंने बहुत धरने दिते भी तुसी साडे बारे तुहाडी सरकार की सोच रही है? मैं जवाब दिना पहला जो चन्नी सरकार सी ना उन्होंने सानू रोल के रखता सी, ठीक है जी, सड़कां ते बिठाता सी, ठीक है, नारे असी बहुत लाए चन्नी सरकार अन्नी सरकार उदो सर एमसी सीगे ते साडे नाल आके दरी ते बैठे और एक मैं फैक्ट दस दिना होर कि सड़क रोकी, ठीक है जी, सर दी हिम्मत दे नाल असीं रोकी, बसा रोकती सब कुछ रोकता, सर ने उत्थे ही स्टेटमेंट देती सी ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब ते भाई फेसबुक ते हजारा लाइक्स मिले हुआ कि जिद्दां ही आवांगे आपां इन्हां दे सारे काम कर देंगे, इन्होंने साढ़े अद्धे काम करते आ, बस एक काम सर मेन रहिंदा इक्वल पे इक्वल वर्क दा। हां जी सर ओ तुसीं साडा काम करवा लैणा सानू पूरा विश्वास आ। बिल्कुल ठीक गल है। मैं देखो जदों चन्नी सरकार सी इन्होंने बहुत जबरदस्त एजुकेशन करके अपनी जड़ियाँ डिमांड्स अगे रखते रहे सरकार, आम आदमी सरकार आई है, भगवंत मान जी दिन रात काम कर रहे उन्होंने मंत्रीमंडल नाल सारे साथियों लैके और एडी ईमानदारी सरकार काम कर रही उन्होंने रहनुमाई दे, लेकिन क्योंकि सरकार को फंड्स लई सरकार नू देखना पैंदा उहदे ते बड़े फैसले लेने पैंदे और डेफिनेटली है सरकार जदों इन्हां दा कोई मसला आएगा तो जरूर चंगी तरह विचार करेगी और मैं भी सरकार नूं ये अपने वालों हर वेले अर्ज करता रहना भी आप इन्हां दे उत्ते जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे। ये कॉलेज वालों नूं बहुत तुहाडे ते आशा कि साडा काम जरूर होगा, परमात्मा करे मैं इन्हां दी आस पूरी कर सकां। सर ने मैं देखो मैं तो देखो मैं इन्हां दा पार्ट इन्हां दा नुमाइंदा बन के सरकार दे नाल लड़दा रहूँगा। होर दस्सो